नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ओपनर पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था, गूगल इनपुट टूल। इसके द्वारा क्या होता था कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज टाइपिंग करनी है तो आप इंग्लिश कीबोर्ड की सहायता से आसानी से हिंदी टाइपिंग कर सकते थे। इसके अलावा जो भी भाषा है जैसे पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी टाइपिंग करनी है आप इंग्लिश कीबोर्ड की सहायता से आसानी से टाइपिंग कर सकते थे। लेकिन गूगल वालों ने क्या किया कि जो ये सॉफ्टवेयर है इसको रिमूव कर दिया या फिर जो सपोर्ट है वो एंड कर दिया। गूगल ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर अभी भी आप गूगल इनपुट टूल द्वारा हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पर हमने दो वीडियो बनाई है और उन दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनका जो सेटअप है कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे हिंदी टाइपिंग करनी है। तो जो मैंने दो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं गूगल वालों ने इसको बंद क्यों किया। देखिए, जो गूगल इनपुट टूल था ये 22 भाषाओं को सपोर्ट करता था, मतलब अलग अलग देश की, ठीक है। बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। गूगल वालों को क्या जैसा उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरी नज़र में 5 ऐसे कारण थे जिस कारण ये बंद हुआ। वैसे गूगल वालों ने कुछ नहीं बताया लेकिन मुझे ऐसे कारण लगते हैं। तो जो पहला कारण है मेरी नज़र में वो है वन एप्लीकेशन ऑल प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप गूगल इनपुट टूल को विंडोज़ 10 के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, 8 के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, 7 के अंदर, एक्सपी के अंदर, विस्टा के अंदर, मैक के अंदर, लिनक्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल वालों को हर एप्लीकेशन पर अलग अलग बंदे लगाने पड़ते हैं, हर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका ब्राउज़र है उसके अंदर उन्होंने एक एक्सटेंशन बना दिया और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उनका जो ब्राउज़र है क्रोम उसको ओपन कीजिए और वहाँ पर वेब स्टोर के अंदर लिखिए गूगल इनपुट टूल। वहाँ पर जाने के बाद आप जो हिंदी लैंग्वेज है वो इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखिए वो हिंदी कर देगा, मतलब आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी और वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और जहाँ जहाँ आपको हिंदी में लिखना वहाँ पेस्ट कर लीजिए। तो इस उन्होंने क्या किया कि वन एप्लीकेशन ऑल प्लेटफॉर्म, यानी आप जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ जहाँ इनका ब्राउजर चलता है सभी सभी जगह ये आपका काम करेगा, तो इसलिए उन्होंने ये किया। दूसरा, इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो आपके जैसे एक्सपी है और या फिर 7 है तो वहाँ पर ड्राइवर्स की दिक्कत होने लगती है, ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, ब्राउज़र के अंदर लेकर आया, ब्राउज़र जहाँ जहाँ चलेगा एप्लीकेशन वहाँ इजिली वर्क कर लेगी, ठीक है। और तीसरा नंबर इन्होंने ये किया कि जो अपना ब्राउज़र है क्रोम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यूज़ करते थे पहले ऑफलाइन, इन्होंने सोचा कि ऑफलाइन करते हैं हमारा ऑनलाइन ही इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा ब्राउज़र में एड आएंगे और मतलब आप बार बार ब्राउज़र खोलोगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो उन्होंने ये किया। चौथा, इनका जो वेब स्टोर है उसको प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने उसको उसके अंदर डाल दिया। और पाँचवा नंबर पर दोस्तों ने मतलब इंजीनियर जो जरूरत पड़ती है उससे कम बंदों की जरूरत पड़ेगी। आप एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया आपने तो इंजीनियर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले बंदा उधर भी काम कर रहा है उधर भी काम कर रहा है, अभी बस एक जगह कर दिया बाकी फालतू की समस्या हटा दी, ठीक है। और छठा कारण दोस्तों ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक टूल लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट इंडिंग लैंग्वेज टूल। तो ये टूल जब आया तो इन्होंने सोचा कि जब ये टूल आ गया है तो जो इन्होंने अपना टूल है उसको सपोर्ट एंड कर दिया। लेकिन दोस्तों समस्या भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। जब उन्होंने इसको ऑनलाइन लेके आया तो उसमें बहुत दिक्कत आने लगी। यानी कि सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, फिर इनका टूल है वहाँ क्लिक करो, फिर हिंदी टाइपिंग करो, फिर कॉपी करो, जहाँ हिंदी में लिखना वहाँ पेस्ट करो। यानी अगर आप वर्ड में हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं ना, पहले क्रोम ओपन करो और इंटरनेट ऑन करो, फिर वहाँ पर लिखो, फिर वर्ड में पेस्ट करो। ये बहुत समस्यादायक है दोस्तों, लोग इतना नहीं देखेंगे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों दो टूल लॉन्च किए। पहला था माइक्रोसॉफ्ट इंडिंग लैंग्वेज टूल, ये आपके 7 के अंदर भी काम कर सकता था, 8 के अंदर भी और 10 के अंदर भी, एक्सपी का मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों, ये जो आपका .NET फ्रेमवर्क था उसमें बहुत दिक्कत आई लोगों की, बहुत सारे लोगों काम ही नहीं किया, उसको अपडेट करना पड़ता था और लोग बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि इसको अपडेट कैसे करना। दूसरा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों टूल बनाया था इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड टूल, इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं थी। ये आप एक विंडोज 10 के अंदर इनबिल्ट आता था, आपको बस उसकी सेटिंग में जाने बाद हिंदी इंस्टॉल करना था और ये ऑटोमेटिक आ जाता है और बहुत ही अच्छा टाइपिंग करता है।
अगर आपको ये नहीं पता है कि जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड टूल है उसको कैसे इनेबल करना है, तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल कैसे इस्तेमाल करना है, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। और अगर आप गूगल इनपुट टूल अभी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके विंडोज 10 के अंदर, 7 के अंदर या फिर एक्सपी के अंदर, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है और वहाँ पर हमने सेटअप भी दे रखा है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। तीनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, आप तीनों वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।